कौन सी वायर है? एक बार एक लगा दो, एक मिनट भाई इधर, दो बार जाओ यार, ये दो, एक मिनट दे रहा, एक मिनट दे रहा। हां नमस्कार सर, प्रयास तो अच्छा था लेकिन कुछ क्या लोड ज्यादा हो गया था इस वजह से मुकेश जी का बीच में? नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक साथ ही 400-500, 300-150 लोग चढ़ जाएं तो मशीन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से लोड होना चाहिए, तो ठीक है। हमने आज हमारे जो भगत है जाखू मंदिर में आने वाले, जो हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं कई बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और कितनी लागत सर इसकी आई है और कितना क्या टिकट को रखा जाएगा इसके लिए? 8.5 करोड़ की इसमें लागत आई है, और जो टिकट का है वो अभी तो विचार नहीं किया गया, उसको बाद में देख के विचार किया जाएगा। धन्यवाद। बुजुर्गों के लिए फ्री रखने की होगी सर? तो ये मुख्यमंत्री ने अभी कहा 8.5 करोड़ बनाया गया है। तो दर्शकों यहाँ पर आपने देखा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर कहा उद्घाटन के पश्चात कि लगभग 8.5 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया, और टिकट को लेकर अभी विचार किया जाएगा किस तरह का रहेगा इस पर, तो इस पर अभी विचार किया जाना है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब ये एस्केलेटर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, बीच में कुछ समय के लिए यहाँ पर एस्केलेटर रुक गया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को यहाँ पर पैदल चलकर आना पड़ा, और हो सकता है कि ये लोड के कारण ये एस्केलेटर बीच में रुक गया हो, क्योंकि लोड भी काफ़ी था, लोग काफ़ी थे। लेकिन शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिल गई है, और अब लोगों को यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 106 सीढ़ियाँ हैं बाबा बालकनाथ मंदिर से जाखू मंदिर के लिए। उन सीढ़ियों को चढ़कर बुज़ुर्गों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो दिक्कत से निजात मिल गया, और साथ ही बंदरों के जो उत्पात है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिला है। और बता दें 40 मीटर लंबा ये एस्केलेटर है, और लगभग 8.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर मंदिर पहुँचने के लिए आज शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे, उप मुख्यमंत्री भी पहुँचे, साथ में PWD मंत्री भी उनके साथ पहुँचे और मंदिर में पूजा अर्चना की, और आज शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। राजधानी शिमला में पहला जो एस्केलेटर है वो अब शहरवासियों के लिए यहाँ पर समर्पित कर दिया गया है। तो हमने आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखाई जाखू मंदिर से, जो एस्केलेटर है उसकी हमने आपको पूरी जानकारी दी। तो अभी तक के लिए इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। शिमला से मैं विक्रांत, फिर मिलेंगे नई खबर नवी जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।